हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। और इस चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, जिसे लिखा है एसजी वेल्स ने। वेल्स एक साइंस फिक्शन राइटर हैं और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1866 में। इनके पेरेंट्स की एक शॉप थी कैंट में, जो इंग्लैंड में है। और इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी द टाइम मशीन, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। एंड वेल्स डाइड इन 1946। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस स्टोरी की समरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे दो लड़के मड से भरे हुए पैरों के निशान देखते हैं। फिर वो उन्हें और ध्यान से देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो फ्रेश जो है पैरों के इम्प्रेशन है। उसके बाद वो और अंदर देखते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि वो जो इम्प्रेशंस हैं पैरों के, वो गायब हो जाते हैं। ये पैरों के निशान एक साइंटिस्ट ग्रिफिन के थे। उसने अभी अभी ये खोज निकाल लिया था कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। उसने अपनी इन्वेंशन से काफ़ी तरीके की जड़ी बूटियाँ खा ली, जिससे उनका जो शरीर था वो एकदम से शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया था। यह उसके पैरों के निशान दिखने से पहले था। ग्रिफिन बिल्कुल भी लॉ अबाइडिंग इंडिविजुअल नहीं था। उसका मकान मालिक इस बात से उससे नफरत करता था। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बदले में ग्रिफिन ने पूरे घर को आग लगा दी। और फिर भागने के लिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े, इसलिए वह बिना घर के, बिना कपड़ों के और बिना पैसों के बाहर घूमने लग गया। और इसी अवस्था में उन दो लड़कों ने इसको देखा। ग्रिफिन लड़कों से बच निकला। उस समय बहुत ठंड का समय था और वो बिना कपड़ों के सड़कों पे घूम रहा था। और थोड़ी सी गर्मी लेने के लिए वो लंदन के एक बड़े स्टोर में चला गया। उसने वहाँ रखे हुए बहुत सारे कार्टन्स बॉक्सेस खोले। उसने उसमें से निकाल के गर्म कपड़े पहने, जूते पहने, एक ओवरकोट पहना, एक हैट पहनी, लेकिन वो अभी भी इनविजिबल था। उसने खाने के लिए मीट और कॉफ़ी भी ली और फिर उसने एक जगह से मिठाई और वाइन भी ली और लास्ट में वो वहीं पे रखी हुई रजाइयों के ढेर पे सो गया। और जब अगली सुबह तक वो नहीं जागा और वहाँ जो स्टोर के असिस्टेंट्स थे, जब वो लोग आए तो उसने एकदम से भागना शुरू कर दिया और उन लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो एक एक कपड़े उतारता चला गया और भागता चला गया। इसके बाद वो एक नाटक कंपनी में घुसा। उसे कुछ कपड़ों को मिलने की आशा थी, लेकिन सर्दी से कांपता हुआ वो ड्री लेन में चला गया, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट था थियोरेटिकल वर्ल्ड का। और जल्द ही वो एक दुकान में घुसा और वो ऊपर गया और थोड़ी देर में वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने बहुत सारी बैंडेजेस बांधी हुई थी, ये उसके माथे के चारों तरफ थी। उसने काले चश्मे पहने हुए थे और एक नकली नाक लगा ली थी। और फिर उसने शॉपकीपर पर अटैक किया और उससे उसका सारा पैसा लूट लिया। फिर वो लंदन में आइपिंग गांव चला गया, जहां पर मिसेस हॉल की एक प्रॉपर्टी थी, जहां पे उसने दो कमरे किराए पे लिए। आइपिंग गांव जब वो पहुंचा तो वहां के जो लोग थे वो सब उसे देख करके एकदम सरप्राइज हो गए। और वहां की जो लैंड लेडी थी मिसेस हॉल, वो चाहती थी कि वो उसके संग थोड़ी फ्रेंडली बने और उसके संग दोस्ती बढ़ाएं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि भी किसी भी तरीके से उसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसने उन्हें बताया कि एक एक्सीडेंट से उसका चेहरा जो है वो ख़राब हो गया है और इसीलिए उसके चेहरे पे बैंडेज बंधी हुई है। इसके बाद ग्रिफिन ने जो पैसे लूटे थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे और उसने वहाँ पे रहने वाली मिसेस हॉल को पागल बनाया कि कुछ ही समय में उसको कुछ पैसे आने वाले हैं। और फिर अचानक से वो गायब हो गया और गायब होके एक प्रीस्ट के घर में घुस गया। वहाँ जाकर उसने प्रीस्ट को बोला कि वो सरेंडर करे, लेकिन प्रीस्ट को कुछ दिखाई नहीं दिया। और थोड़ी देर में प्रीस्ट ने देखा कि उसका जो पैसा था वो सारा चोरी हो चुका था। और प्रीस्ट के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात थी कि कमरे में कोई नहीं भी था और फिर भी उसके घर से पैसे चोरी हो गए।
इधर जो मकान मालिक और उसकी पत्नी मिसेस हॉल थी, वो काफ़ी देर पहले ही उठ गए थे और उन्होंने जाके देखा कि जो ये साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसका कमरा खुला हुआ था और कमरे में वो बैंडेज पड़ी हुई थी, सारे सामान बिखरा हुआ था। और फिर अचानक से मिसेस हॉल को उनके कान के पास किसी के होने की एक फीलिंग सी महसूस होती है, कुछ सुनाई देता है। फिर वो देखते हैं कि सामने पड़ी हुई जो बेड है वो ऊपर उठने लगी और फिर अचानक से एक कुर्सी उड़ती हुई आई और उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। मिसेस हॉल इस सब चीज़ों को देख के इतना घबराई और चिल्लाती हुई गिर गई और अब उन्हें विश्वास हो गया था कि इस कमरे में कोई भूत है। और जल्द ही जो प्रीस्ट के घर में चोरी हुई थी उसके बारे में अब सब लोगों को पता चल जाता है और लोगों को लगता है कि ये उस साइंटिस्ट का ही इसमें हाथ है। इसके बाद लोगों ने चुपचाप से वहाँ पे एक कांस्टेबल था जो गांव का, उसको बुलाया और मिसेस हॉल ने कांस्टेबल के आने की वेट नहीं करी और वो सीधा साइंटिस्ट के पास गई और उससे जाके पूछा कि वो कुर्सी के साथ क्या कर रहा था। मैं जानना चाहती थी कि वो बंद कमरे में कैसे घुसा। इस पर साइंटिस्ट को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो फिर से चिल्लाता है और उनके ऊपर फिर से अपनी सारी बैंडेज, चश्मे और नाक आदि फेंक देता है और इसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो लोग बिना सर का एक आदमी को जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपनी पट्टी, चश्मे, नाक सब फेंक देता है लेकिन जो कपड़े उसने पहने होते हैं उसकी वजह से लोगों को लगता है कि इस आदमी का सर गायब है। इसके बाद जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है जेफर्स, वो आता है और वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करता है और वो भी उसे देख के एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसा बिना सर वाला आदमी है। लेकिन जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वो पुलिस के आने के बाद भी वहाँ से भाग निकला। उसने एक के बाद दूसरे कपड़ों को फेंका और उसके बाद वो गायब हो गया और उसके बाद वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ग्रिफिन ने उन लोगों को खूब मारा और लास्ट में जो कांस्टेबल था वो बेहोश हो गया और बस वो उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन ग्रिफिन ने अपने आप को उस कांस्टेबल से बचा लिया था और अब किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसको कहां से पकड़े। तो ये थी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और अब जब आप इनकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस।